जीएसटी प्रैक्टिशनर, जीएसटी एडवाइजर, जीएसटी अकाउंटेंट या इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो और आपको यूट्यूब पे बहुत सारी होलसेल में वीडियोस मिलेंगी। और मैं आपको एक चीज कहूँ, 99.99% मतलब 100 में से कोई एक वीडियो भी शायद ही मिले आपको ऐसी जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रही है। सब आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ना, आप खुद कहेंगे कि सर ऐसा आप कैसे मतलब हमें शेयर कर सकते हो, मतलब सबने तो हमें कुछ और ही बताया। तो अगर मतलब आप टैक्सेशन फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में कोई भी अपना करियर बनाने का सोच रहे हो, किसी का कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि कैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर बना जा सकते हो, कोई भी इस तरीके का आपके माइंड में डाउट है, मैं आपको इसकी एश्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। आपको एकदम मतलब अलग रियलाइजेशन होगा कि अच्छा ये तो सच कुछ और है और हमें क्यों मिसगाइड किया जा रहा है। मैं सीए पीयूष गुप्ता, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मतलब इन चीजों की नॉलेज रहेगी। सेकंड, मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ जीएसटी का, इनकम टैक्स का, ऐसे टोटल हमारे 16+ कोर्सेज रहते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बट मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको जीएसटी एडवाइजर या प्रैक्टिशनर बनने के लिए जरूरी नहीं है। यस, नहीं जरूरी है, हर कोई आपको यही बताता है कि जरूरी है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी कोर्स करना आपके लिए जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी प्रैक्टिशनर जो वर्ड हम सुनते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है। देखो, 2017 में जीएसटी आया था। जब जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने एक पोस्ट, कह सकते हो एक मतलब एक पोजीशन उन्होंने लॉन्च करी थी जो थी जीएसटी प्रैक्टिशनर। एक एग्जाम कंडक्ट कराया गवर्नमेंट ने, कहा कि ठीक है आप एग्जाम्स, ये एग्जाम दीजिए, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बोला जाएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हुआ क्या कि वो जो एग्जाम से कुछ टाइम पीरियड तक ही कंडक्ट हुए, आई थिंक 2018 तक कंडक्ट हुए थे, आई एम नॉट 100% श्योर, बट 2018 या 19 तक ऐसे ही कंडक्ट हुए थे। और उसमें भी जो मुझे पता चला था कि उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एग्जाम दिए बट उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था, या एग्जाम्स ही उस टाइम में भी नहीं हुए थे, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म उनका फिल हुआ था। तो जो भी चीज़ है, मतलब पिछले 3-4 साल में तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई एग्जाम हुआ है, और आई डोंट थिंक आने वाले कोई भी एग्जाम होने वाला है। मैंने एक वीडियो और देखी थी एक पर्सन की, वो कह रहे थे कि अभी एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मेल किया था, उसका मेल का रिप्लाई ये आया था कि जैसे ही होगा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि अगले साल हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि अभी कोई एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। अभी मैं उसको क्या ही डिस्कस करूंगा, गवर्नमेंट का उस टाइम पे पर्पज अलग था, तो अभी वो जो उसका कोर पर्पज था ना, वो ही कहीं ना कहीं खत्म ही हो चुके हैं। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम गवर्नमेंट कराती थी, गवर्नमेंट ने वो कराना बंद कर दिया है। तो मतलब मार्केट में इस टाइम पे आपको जितने भी कोर्सेज मिल रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स मिल रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना देंगे, सब 100% गलत है। आई डोंट थिंक कि शायद मतलब एक भी पर्सन ऐसा होगा कि जो प्रॉपरली कोई इस तरीके का करार हो। अब वहां पे मिसगाइड क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बनाऊंगा। वो वर्ड्स में जो खेलते हैं ना वहां पे, अपने टाइटल में, उन चीजों में, कोई कहता है मैं ना आपको सर्टिफाइड जीएसटी प्रैक्टिशनर बना दूंगा, मैं आपको सर्टिफाइड जीएसटी एडवाइजर बना दूंगा, या फिर मैं आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का ये कोर्स है। वो कोर्स वाले क्या कहते हैं कि कोर्स कहते हैं कि भाई हम आपको ना पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम आप देते रहो, हम तो ये कह रहे हैं कि हम उसकी तैयारी करा रहे हैं। भाई जब एग्जाम ही नहीं होने वाले हैं, आप तैयारी किस चीज की करा रहे हैं। सेकेंडली, जो कह रहे हैं कि हम सर्टिफाइड करा रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर क्लियरली तो नहीं बोल सकते क्योंकि तो गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ करता था, तो उसको घुमा फिरा के वो शो करना चाह रहे हैं, मिसगाइड करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट सोचे कि अच्छा यही ऑफिशियल एग्जाम की बात हो रही है, या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा और मैं ये काम कर। अब बात ये आती है कि सर फिर रियलिटी क्या है, आपका, आप भी पढ़ाते हो तो स्टूडेंट्स वो कोर्स क्यों पढ़ते हैं, कैसे हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में अब समझते हैं। देखो, जीएसटी एडवाइजर का मतलब होता है, या इनकम टैक्स एडवाइजर, कोई भी टैक्सेशन अकाउंटिंग की आप एडवाइस दे रहे हो तो वहां पे क्लाइंट को काम करना होता है। जो रिटर्न फाइलिंग का काम होता है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्लाइंट की अपनी होती है। अगर मैं क्लाइंट हूँ, मुझे अपना टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मैं अपने आप लॉग इन करूंगा, अपनी डिटेल्स फिल करूंगा और टैक्स सबमिट कर दूंगा। बात समझिए ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे इस फील्ड की नॉलेज है, आप इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, आपको भी नॉलेज हो जाएगी, बट क्या सभी को इस फील्ड की नॉलेज होती है? नहीं, उनको नहीं पता है ना कि क्या टैक्स के रूल्स हैं, कैसे रिटर्न फाइल होती है, नहीं पता है।
तो वो क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि मुझे किसी से हेल्प मिल जाए। अब आपने क्या करा, पूरा जीएसटी इनकम टैक्स सीखा, अच्छे से सीखा, प्रैक्टिकली सीखा, सब कुछ सीखा। उसके बाद वो क्लाइंट आपके पास जब आए हैं, तो आपने कहा मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना। गवर्नमेंट की नजर में वो क्लाइंट ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा भी क्लाइंट को ये, कि क्लाइंट को कहे कि भाई आप अपनी रिटर्न अपने आप फाइल करो। आप जब सपोर्ट कर रहे हो उनको, गाइड कर रहे हो, रिटर्न वो ही फाइल कर रहे होते हैं। मतलब आप लॉग इन आईडी ले लेते हैं, ठीक है, लॉग इन आईडी पासवर्ड करके आप उनके बिहाफ पे, बट प्रॉपर लीगलाइज तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि ये तरीका है रिटर्न फाइल करने का, इस तरीके से आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो कंसल्ट करना, वो उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी पर्सन किसी को भी कंसल्ट कर सकता है, इंडिया में वैसे भी कंसल्टेंसी की कमी नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए कंसल्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन इस तरीके को कर सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी को भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है क्या, नॉलेज। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। किसी को भी मतलब सिखा सकते हो, उनके सिखा नहीं सकते हो, मतलब रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर सकते हो। अब बात आती है कि सर फिर ये चल क्या रहा है। देखो दो तीन तरीके से बात होती है, एक तो जिनके कंटेंट में क्वालिटी है वो क्लियरली फ्रेंकली बोल पाते हैं। अब मैं आपके सामने सारी चीजें क्यों फ्रेंकली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली बोलता हूँ कि देखो आप ये कोर्स कर रहे हो, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बट जहां पे क्वालिटी ही नहीं है, उनको सिर्फ मिसगाइड करना है, वो इस तरह से मिसगाइड करते हैं। एक मैं सारी चीजें भी धीरे धीरे खोलता रहूंगा, अगर आप सीरियस हैं तो पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि माइंड में बर्डन नहीं होना चाहिए मेरे कि पहले ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। मैं ओपनली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और करते हैं मार्केट में, क्या करते हैं वो, कहते हैं हमारा ना एमएसएमई अप्रूव्ड है, हमारा जीएसटी अप्रूव्ड है, या हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उस केस में भी मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस में, मुझे तो मतलब अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा तो शायद ही कोई भी नहीं आया है कि जो प्रॉपर वैसे दे रहे हो, वो मिसगाइड कैसे कर रहे होते हैं। अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस हमारे इंस्टीट्यूट है, उसका मैंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लिया। 10 मिनट लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने में, और उसके बाद मैं आपको ये कहने लगूं कि ये सर्टिफिकेट एमएसएमई अप्रूव्ड है, ये गलत हुआ। मेरा बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उसका सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, सर्टिफिकेट एक सेपरेट पर्पस है, ठीक है। तो हम उसको ये शो करते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिशनर का हुआ करता था, वो अभी बंद है। तो यहाँ पे अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो इंस्टीट्यूट अपने बिहाफ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक चीज समझो ना, जी एमएसएमई का हमारा भी कोर्स है, एक मिनी कोर्स रहता है, उसमें हम सिखाते हैं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। जो पर्सन आपको यही नहीं बता रहा है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता क्या है, वो मिसगाइड कर रहा है, वो आपको सिखाएगा कैसे। क्योंकि अगर उन्होंने आपको सिखा दिया कि भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कोई भी ले सकता है, गवर्नमेंट का एमएसएमई में भी कोई करा सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कोई रजिस्टर कर सकता है, तो उनकी तो पोल ही खुल जाएगी, तो वो आपको सिखाएंगे भी क्या। बात समझ रहे हैं पूरा, कि वो सिर्फ कोर्स बेचने पे फोकस कर रहे हैं कि सिखाने पे नहीं है, बेचने पे। फिर इसके अलावा अब जो हमारा कोर्स होता है उसमें क्यों मैं कहता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, या क्यों स्टूडेंट्स उसको करते हैं, मैं कहता हूँ कि देखो आपका मेन फोकस होना चाहिए दो चीजों पर। पहला होना चाहिए नॉलेज पे, नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस कोर्स को अगर आप कर रहे हो, जो हमारे कोर्सेज हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक है, रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग वगैरह सब है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर कंसल्टेंसी पे फोकस किया, ये बताया कि क्लाइंट कैसे बना सकते हो, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद ना स्टूडेंट 50,000 रुपीज मंथली इजिली अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 3-4 लाख रुपीज मंथली तक अर्न कर रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना, सोच के लगता है क्या ही बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है, बातें बना रहे हो। तो एक्चुअल में वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट देखो क्या है कि ऑल ओवर इंडिया सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सब अपना इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट होता भी यही चीज है, सर्टिफिकेट का मतलब है एक पर्सन आपको सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ आपने ये कोर्स कंप्लीट करा है, आपने ये चीज सीखी है। तो अब सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं उनको मतलब नहीं जानता है ना कोई, मतलब अभी एक पर्सन है जिन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, वो सीए नहीं है, कुछ नहीं है, उनके सर्टिफिकेट पे कहीं कुछ लिखा नहीं है। हमारे सर्टिफिकेट पे क्या होता है, उस पे मैं आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके देता हूँ। अब आप उस सर्टिफिकेट को कहीं पे भी प्रेजेंट करते हैं, किसी भी कंपनी में करते हैं, चाहे अपने ऑफिस में उसको यूज करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है दो रीजन से, ठीक है। पहले वो पर्सन मोस्ट प्रोबेबली मुझे जानता होगा कि ओके सीए पीयूष गुप्ता एक सर हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं, वो जानते होंगे, तो उनको क्वालिटी का आइडिया होगा। सेकंड, अगर उनको नहीं भी पता है कि पीयूष गुप्ता कौन है, तो उनको चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में तो पता है ना। सीए
टीए को इस फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है, जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का एक्सपर्ट माना जाता है, तो ऐसे ही सीए को टैक्सेशन में एक्सपर्ट माना जाता है। अब इधर उधर से कोर्स करने के बजाय, अब क्या होता है ना कि हर कॉलोनी में एक एक इंस्टीट्यूट खुले होते हैं हर चीज के, टैली सिखाने के और ये सब चीजों के। कोई भी इंस्टीट्यूट खुला है और वहां पे क्या क्वालिटी होती है आपको भी पता है, जब कंपनी में जाते हैं ना तो कंपनी में जो हायर करने वाले एम्प्लॉयर होते हैं उनको भी पता है कि भाई इधर उधर से करा होगा, आता कुछ नहीं है। तो वहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना भी वो जीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि कंपनी को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ना कि आपने कुछ सीखा भी होगा यहाँ पे। तो अब जब सीए के साइन वहां पे है सीए के, तो सामने कंपनी के पास भी माइंड में एक इंप्रेशन जाता है कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीखा है तो एक्सपर्टाइज होगी इस फील्ड में, उनको नॉलेज होगी, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीए की सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती है इस रीजन से, और जब प्रैक्टिकली सिखाते हैं तो वो चीजें। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, सर मुझे ना रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, रिटर्न फाइलिंग सिखाओगे क्या? और मैं मतलब सारी चीजें पता नहीं कैसे शेयर करूँ आपके साथ, जो बाकी प्रोवाइड कर भी रहे ना सब टीचर्स का या यूट्यूबर्स का, उनका फोकस रहता है रिटर्न फाइलिंग पे, वो प्रमोट करते हैं रिटर्न फाइलिंग कोर्स हमारा, रिटर्न फाइलिंग कोर्स, मतलब पहले तो मिसगाइड ऐसे करते हैं, टैली विद जीएसटी सिखाएंगे, स्टूडेंट को लगता है टैली और जीएसटी हम पूरा सीखेंगे। उसमें क्या होता है, टैली और जीएसटी का थोड़ा बहुत सिखा दिया, मेनली एंट्री सिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बेसिक रिटर्न फाइलिंग सिखा दी, या जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग का कोर्स है, हम रिटर्न फाइलिंग सीखो, रिटर्न फाइलिंग सीखो, हम आपको 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, 2,500 रुपए में सिखा रहे हैं, ऐसा। उस चीज की मैं कहता हूँ मार्केट में जीरो वैल्यू है, कुछ फायदा नहीं है। रिटर्न फाइलिंग सबसे आसान काम होता है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग में डेटा एंट्री है, सब कुछ आपकी वेबसाइट पे लिखा होता है, अगर आपको बेसिक पता है। रिटर्न फाइलिंग करने का कुछ काम नहीं है, तभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मार्केट में ना 500 रुपये में भी काम होता है, ऐसे लोग ही जो सीखते हैं वो ही 500 रुपये में काम करते हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट को कहता हूँ कि अच्छी फीस हमेशा चार्ज करो, कम प्राइस में कभी भी काम मत करो। क्यों, क्या होता है, जब हम मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, मैं हमेशा आपको इस चीज पे फोकस करता हूँ कि कंसल्टेंसी पे फोकस करो, अपनी नॉलेज डेवलप करो। जो रिटर्न फाइलिंग का काम है ना, ये इतना इजी है कि आप कुछ टाइम बाद, आज से 2-3 साल बाद, जब आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, जो महीने के आप 2-3 लाख रुपए कमा रहे होंगे, आप अपने अंडर में एम्प्लॉय रखोगे, रिटर्न फाइलिंग का काम वो कर रहे होंगे। आपने अगर किसी सीए ऑफिस में भी देखा होगा तो सीए क्या करते हैं, अपने आप से रिटर्न फाइलिंग नहीं करते, उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो फाइल कर रहे होते हैं। सीए अपना किस चीज के मेहनत का होती है, उनका सोचने में कि अच्छा इस चीज को ऐसे दिखाएंगे, हम ऐसे कंसल्ट करेंगे। आप एक चीज समझो ना, आप किसी पर्सन के पास जाते हो, नॉर्मल पर्सन के पास जाते हो, वहां पे आप 500 रुपये में भी काम करा लेते हो कोई भी काम, रिटर्न फाइलिंग वगैरह का, और एक सीए के पास जाते हो, या मेरे पास कोई है, मैं उसी के 3-4 हज़ार 5,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, क्यों मुझे पे कर रहे हैं, रिटर्न तो वो भी फाइल कर रहे हैं, वो भी फाइल कर रहे हैं ना, मेरी कंसल्टेंसी का। तो इसी रीजन से स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीए से ज्यादा फीस चार्ज कर पा रहे हैं, क्यों, उनकी कंसल्टेंसी उन्होंने स्ट्रांग करी है। इन चीजों को समझो, रियलिटी को समझो, और जो चल रहा है ना इन चीजों में पीछे मत भागो हमेशा, जो भी है रियलिटी समझो। मिसगाइड करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बट अपनी लर्निंग पे फोकस करो, रिटर्न फाइलिंग के पीछे मत भागो, पूरे चीजों को प्रैक्टिकली समझो कि रियल लाइफ में कैसे चीजें यूज होने वाली है। और सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा नॉलेज है, और सर्टिफिकेट भी अगर किसी ऐसे पर्सन से आपको मिल रहा है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट माना जाए, तो उसी से लेके बेनिफिट रहता है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो ना, आप मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँ।